आरपी नगर में चेयरमैन पद के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। आज संयुक्त मोर्चा के रूप में मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी सीमा जाटव की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। सीमा जाटव ने जनता के बीच जाकर लोगों से अपने लिए वोट देने की अपील की। एमए बीएड सीमा जाटव के पति एडवोकेट मनोज जाटव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई सारे वादे किए। उन्होंने सबसे पहले यात्रियों की सुविधा के लिए कालपी में बस स्टैंड बनवाए जाने की बात कही। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे कार्य करने की घोषणा की। यदि कालपी नगर की जनता ने हमारी पत्नी को चेयरमैन नगर चुना तो मैं सर्वप्रथम कालपी में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड के लिए जगह की व्यवस्था करके उसका निर्माण करवाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो मोहल्लों में सड़कें नहीं हैं उन सड़कों को बनवाने का कार्य करूँगा। कालपी में सफाई व्यवस्था एवं शौचालयों की परेशानियों को दूर करूँगा। जिन घरों में गरीबी रेखा के परिवारों में जो पात्र गृहस्थी महिलाएं हैं उन लोगों को शौचालय जो सरकार के निर्देशानुसार बन रहे उनको पूर्णतया बनवाऊँगा और कालपी की जनता से कंधा मिलाकर चलूँगा। कालपी नगर पालिका में किसी प्रकार से कोई सिंडिकेट हावी नहीं होने दूंगा। न्यूज बुंदेलखंड के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट। बेहतर शिक्षा के साथ नया आयाम, संस्कारों के साथ ऊंची उड़ान। कालपी का सबसे विश्वसनीय विद्यालय एसपी बालिका इंटर कॉलेज, विजय टीला टर्नन गंज कालपी।